हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक सेटअप। तो 2 दिन से मार्केट में काफ़ी अच्छी एक सेलिंग मोमेंटम चल रही है, तो इसके हिसाब से हम कुछ इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देखेंगे कि जिनमें आप काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। सबसे पहले अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर बेल आता है। तो बेल में आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद प्राइस अपर की तरफ मोमेंटम की है, लेकिन नया स्विंग हाई लगाने में यहाँ पर फेल हुई है। तो कल यहाँ पर अगर 200 के नीचे प्राइस क्लोजिंग करती है तो ये तेज़ी से यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर कल 202 के नीचे प्राइस क्लोजिंग करती है, पहले फर्स्ट आप में यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलते हैं, तब आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंट्राडे करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी आता है। तो ये स्टॉक हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन चल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक स्विंग हाई लगाया, और उसके बाद नया स्विंग हाई लगाने में वो यहाँ पर फेल हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर 4,700 के नीचे प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग करती है, तब आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंट्राडे में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर अबाउट इंडिया आता है। तो अबाउट इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर कल या परसों 20,000 के नीचे अगर प्राइस मोमेंटम करती है, तब ये यहाँ पर अपने 200-डे मूविंग एवरेज की तरफ यहाँ पर मोमेंटम कर सकती है प्राइस। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आइशर मोटर्स आता है। तो यहाँ पर आइशर मोटर में भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर प्राइस जो है लगातार यहाँ पर काफ़ी अच्छी गिर रही है। तो अगर यहाँ पर मोमेंटम बरकरार रहता है या फिर प्राइस यहाँ पर पॉज लेती है और उसके बाद यहाँ पर लोअर लो लगाती है, तब भी आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर पीडी लाइट आता है। तो पीडी लाइट में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर 2 दिन से काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर रही है। तो कल हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर प्राइस यहाँ पर 2,390 के नीचे मोमेंटम करती है और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखता है, तब हम यहाँ पर इंट्राडे में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर रैक लिमिटेड आता है। रैक में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर प्राइस जो है वो 151 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग करती है, तब आप यहाँ पर इंट्राडे में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद की अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर एस्ट्रल लिमिटेड आता है। तो एस्ट्रल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक पॉज के बाद यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है सेल की साइड। तो अगर कल यहाँ पर 2,150 के नीचे मोमेंटम होता है, तब आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पॉलीकैप आता है। तो पॉलीकैप में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे समय से ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर रहा है, तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। और आज इसने यहाँ पर नीचे की तरफ काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ पर क्लोजिंग की है। तो अगर यहाँ पर मोमेंटम बरकरार रहता है, तब आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो सकता है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर SRF लिमिटेड आता है। तो SRF में भी आप देख सकते हैं कि इसमें प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली 5 दिनों से गिर रही है। अगर यहाँ पर मोमेंटम जो है वो यहाँ पर पॉज लेती है, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर फिर से प्राइस एक्शन बनता है, तब हम यहाँ पर सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट भी गिरती है और यहाँ पर स्टॉक भी ये गिरता है, तब आप यहाँ पर 2,150 के नीचे यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन बना के ट्रेड ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर जुबिलेंट फूड आता है। तो जुबिलेंट फूड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर प्राइस जो है वो 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी फॉल कर रही है। तो यहाँ पर आज वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे दिखे थे, यहाँ पर भी प्राइस काफ़ी अच्छी गिरी है। तो अगर कल यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यूस रहता है और इसमें 3885 के नीचे अगर यहाँ पर पहली फर्स्ट हाफ में यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो इसके नीचे भी आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर दीपक नाइट्रेट आता है। तो यह स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे समय से यहाँ पर अपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, और आज इसने यहाँ पर करीबन 11% का यहाँ पर फॉल आया है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है सेल साइड में।